एसेंस ऑफ इंडिया, अध्यात्म, संस्कृति, संस्कार, जीवन का आधार। कालिदास के मुख से सबसे पहला स्रोत कौन सा निकला था? मां गढ़कालिका की अनन्य उपासना से जागी उनमें अप्रतिम काव्य प्रतिभा। क्या है इन चमत्कारिक देवी का रहस्य? भारत के प्राचीन ग्रंथ कहते हैं कि ईश्वर की कृपा से अंधा देख सकता है, लंगड़ा चल सकता है और मूक वाचाल हो सकता है। ईश्वर की किसी भी रूप में आराधना सदा सुफल देने वाली होती है। कवि कुलगुरु महाकवि कालिदास इसके बहुत अच्छे उदाहरण हैं। कहते हैं कि बचपन में वो इतने निर्बुद्धि थे कि जिस पेड़ की डाल पर बैठे थे उसी को काट रहे थे। फिर ऐसा क्या हो गया कि वो सरस्वती के वरद पुत्र बन गए? उनकी बुद्धि और कल्पना शक्ति इतनी असाधारण हो गई कि वो विश्व कवि बने और सम्राट विक्रमादित्य के नौ रत्नों में शामिल हुए। एक मंद बुद्धि बालक से महाकवि के रूप में कालिदास का चमत्कारी रूपांतरण मां गढ़कालिका की कृपा से हुआ। कालिदास हर दिन घंटों इस मंदिर में बैठकर मां गढ़कालिका की पूर्ण एकाग्र चित्त से आराधना करते थे। इस चमत्कारी देवी ने उनकी निश्चल और सच्ची आराधना से प्रसन्न होकर उनकी झोली अप्रतिम काव्य प्रतिभा से भर दी। मां गढ़कालिका के प्रसाद से मिली अद्भुत प्रतिभा से ही महाकवि ने अनेक कालजयी कृतियों की रचना की। इनमें मेघदूतम, ऋतु संहार, रघुवंशम, कुमार संभावम, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोवर्षियम, मालविकाग्नि मित्रम शामिल हैं। इन कृतियों का विश्व साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है। इनका अंग्रेजी सहित विश्व की अनेक भाषाओं में अनुवाद हुआ है। कालिदास ने श्यामला दंडक महाकाली स्तोत्र की रचना की। कहते हैं कि कालिदास के मुख से सबसे पहले यह स्त्रोत प्रकट हुआ था। उज्जैन में हर साल देव प्रबोधनी एकादशी को आयोजित होने वाले कालिदास समारोह में मां कालिका की आराधना की जाती है। ये कई हजारों वर्ष पुराना मंदिर है। कवि कालिदास ने स्थान पे भेड़ के तपस्या करी थी। मां 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 चिल्लाता कई वर्ष हो गए थे, कई समय हो चुका था, तो महाकाली प्रकट हुई और कवि कालिदास को दर्शन दिए, तो उन्होंने इस स्थान से ज्ञान प्राप्त करा। आज जो विश्व में कवि कालिदास का जो नाम चला, नाम ही जगह चला। प्राचीन गढ़काली का मंदिर उज्जैन के कालीघाट पर स्थित है। प्राचीन अवंतिका नगरी यहीं स्थित थी। कालिका तांत्रिकों की देवी है। गढ़कालिका का ये चमत्कारिक मंदिर कितना प्राचीन है ये कोई नहीं जानता, लेकिन इसका निर्माण महाभारत काल में माना जाता है। मंदिर भले ही महाभारत काल में बना हो, लेकिन यहां जो प्रतिमा है उसे सतयुग के समय की माना जाता है। सम्राट हर्षवर्धन ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था। आगे चलकर ग्वालियर के सिंधिया वंश ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। गढ़ नाम की जगह पर स्थित होने के कारण इसका नाम गढ़कालिका हो गया। इसके पहले विभिन्न राजवंशों द्वारा इस मंदिर का नवनिर्माण कराए जाने के प्रमाण मिलते हैं। इस मंदिर में रोजाना बड़ी संख्या में श्रद्धालु जन आकर मां गढ़कालिका की आराधना करते हैं। इनमें जन सामान्य के अलावा तांत्रिक, योगी, मांत्रिक और अन्य मार्गों के साधक शामिल हैं। मां के मंदिर से कोई खाली हाथ नहीं लौटता। देखते रहिए धर्म पुराण। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें।
धर्म पुराण द एसेंस ऑफ इंडिया, आध्यात्म संस्कृति संस्कार जीवन का आधार।